भाई इस गाड़ी का बूट ही खराब हो गया। ऑफ का बटन नहीं, मुझे पता नहीं भाई क्यों ऑफ नहीं हो रहा भाई, भगवान की कसम। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो भाई अप्रैल 2022 के अंदर मैंने ली थी सफारी, और सफारी लेने के कुछ टाइम बाद ही उसके अंदर थोड़े बड़े अपडेट्स आ गए थे, जब मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना ये वाला फेसलिफ्ट देख के मुझे बुरा लग रहा है। भाई डेफिनेटली बुरा लगना जायज भी है, जब आपके पास कोई चीज और उसका थोड़े से टाइम में इतना बढ़िया अपडेट आ जाए ना, जब आपको मन करने लग जाए कि यार इसको तो ले लेना चाहिए, अपने पास होनी चाहिए, मतलब भाई साहब टाटा ने इतना दिल दुखाया है। खैर भाई आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया सफारी ओन करे हुए, लगभग मैंने 30,000 किलोमीटर चला दी, और 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप पूरी गाड़ी समझ लेते हो भाई, इससे ज्यादा तो आप समझने के लिए और कितने किलोमीटर और कितना टाइम चाहिए। 1.5 साल 30,000 किलोमीटर मायने रखते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात कर ले नई वाली सफारी 2023 वेरियंट के फेसलिफ्ट वर्जन में क्या अपन को अपडेट्स मिल जाते हैं, वो तो आपको दुनिया बता देगी, लेकिन क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं ना पुरानी प्रॉब्लम्स वर्सेस अब जो वो प्रॉब्लम्स थी सॉल्व करी है नहीं करी टाटा ने, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और बिल्कुल निष्पक्ष वीडियो बनाने वाला हूं भाई, बिल्कुल निष्पक्ष, मुझे ना टाटा का डर है क्योंकि भाई आई एम ऑलरेडी अ कस्टमर, और ये जो नया वाला वर्जन है ये भी हमारी फैमिली के अंदर एक गाड़ी बुक हो चुकी है, तो बहुत जल्द आपको इसकी भी डिलीवरी देखने को मिल जाएगी दिवाली के पास में। जैसे ही पहली गाड़ी आएगी वैसे भाई टक से अपन डिलीवरी गाड़ी की ले लेंगे, तब आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो भाई सबसे पहले तो जो उसका फर्स्ट लुक अपन को देखने को मिल जाता है ना, इतना ज्यादा देखने में प्रीमियम लगती है, मतलब एकदम ऐसे लगता है कि टाटा ने कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर जो लाके अपने सामने खड़ा कर दिया हो। भले इसके 19 इंच के अलॉयज हो भाई, दिल जीत लेते हैं, लेकिन 19 इंच के अलॉयज, मतलब आपको थोड़े बहुत कमियां भी बताऊंगा इस गाड़ी के अंदर जो है। बाकी भाई उसी के साथ आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो अपनी सफारी है ना, ये गोल्डन कलर इसका इतना प्यारा देखने में लग रहा है भाई, व्हाइट और ब्लैक ये सदाबहार कलर लगते हैं देखने में, लेकिन गोल्डन कलर जो नया कलर है बिल्कुल आई कैचिंग और बहुत ज्यादा देखने में प्रीमियम लगता है। खैर उसी के साथ शुरू करते हैं चाबी से, तो कुछ ऐसी चाबी अपन को देखने को मिल जाती है जहां पे लॉक अनलॉक का बटन आपको देखने को मिलेगा, फॉलो मी हेडलैम्प और टेल लैंप का आपको बटन देखने को मिल जाता है, जो कि अपना इलेक्ट्रिक बूट जो है यहां पर आप जैसे इसको 3 सेकंड तक दबाओगे तो अपना यहां पर इलेक्ट्रिक बूट जो है यहां पर ओपन हो जाएगा। वैसे तो इसके अंदर जेस्चर कंट्रोल भी आता है, जैसे आप अपना पैर नीचे करो तो आराम से जो है अपना यहां पर बूट ओपन हो जाता है, उसको भी ट्राई करके देखते हैं, पर भाई जब आएंगे बूट की तरफ वापस तब उसको ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने दो बार पहले ट्राई करा था, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, कुछ ऐसा वाला काम इसके अंदर अपन को देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई शुरू से अगर फ्रंट की बात कर लेना तो देखो भाई फ्रंट लुक यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये जो DRL अपन को देखने को मिला करते थे, अब यहाँ पर जो है ब्लैक कलर के इंसर्ट्स पूरे ओवरऑल देखने को मिलने लग गए हैं। यहाँ पर ये जो अपना DRLs हैं ये अपना पूरा कनेक्टेड देखने को मिल जाते हैं भाई, अपन को बहुत ही प्यारा लुक अपन को देखने में यहाँ पर लग जाता है, मतलब एकदम जो कहते हैं ना यार एकदम सामने से कोई बीस्ट आ रही है वो वाला फील यहाँ पर देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको अडैश देखने को मिल जाता है, और अडैश के साथ साथ काफ़ी नए ऐसे फीचर्स अपन को अडैश के देखने को मिलते हैं, जैसे कोई पेडेस्ट्रियन आएगा उसकी वार्निंग दे देगा, कोई साइकिल वाला आएगा उसकी वार्निंग दे देगा, ऐसे काफ़ी सारी वार्निंग्स के साथ अपन को गाड़ी देखने को मिल जाती है। वेल यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर अपन को देखने को मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अपन को गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है भाई, क्योंकि इतनी बड़ी SUV, इतनी बल्कि SUV जहाँ पर ये इधर कोई जो अपना कुत्ते बिल्ली वगैरह आ जाए वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है, नहीं दिखता भाई, तो ये ज़रूरी भी है। तो जैसे इसके पास कोई आएगा ऑटोमेटिकली 360 डिग्री कैमरा जो है गाड़ी का वहाँ पर चालू हो जाएगा, और कैमरे के अगर बात करें तो आपको अंदर से कैमरा भी दिखाऊंगा कैसा क्या आपको कैमरे की क्वालिटी मिलती है। डेफिनेटली भाई बहुत इंप्रूवमेंट वहाँ पर भी अपन को देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑल ओवर आपको जो है प्रीमियम जो है पियानो फिनिश देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टाटा का लोगो हो गया अपना, उसी के साथ में जो ग्रिल है ये ग्रिल देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी लगती है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट जैसी गाड़ी वाला फील यहाँ पर आता है। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में, तो देखो सबसे मेजर अपडेट जो कमी मुझे मेरी सफारी के अंदर लगती थी वो थी भाई इसका हेडलैम्प्स, मतलब हेडलैम्प्स की अगर अपन बात कर ले तो ठीक थे हेडलैम्प्स, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं थी, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यार एक लेवल तक ही जाती थी लाइट्स, जहाँ पर लाइट की जरूरत होती थी ना ऊपर की तरफ वहाँ पर ऊपर जाती नहीं थी और ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था, भले आप हाई बीम जला लो तो भी अपन को वो वाला फील नहीं आता था। तो यहाँ पर लाइट जो अपडेट करी है यहाँ पर आपको LED देखने को मिलने लग गया, फॉग लैंप में भी मिलने लग गया, यहाँ पर आपको जो है हेडलाइट्स के अंदर भी देखने को मिलने लग गया, यहाँ पर हाई बीम और लो बीम दोनों ही आपको इस जो प्रोजेक्टर है उसमें देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका परफॉर्मेंस अपन को देखने को मिलता है। ये अपन ने नेक्सॉन के अंदर देख लिया है, तो नेक्सॉन के अंदर अपन ने देख चुका है, तो अब अपन को पता है कितना बढ़िया काम ये करती है। हालांकि यहाँ पर जो है आपको वेंट्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ से हवा पास करने के लिए, तो एरोडायनेमिक गाड़ी का जो आई थिंक इंप्रूव हो चुका है। यहां पर आओगे तो भैया सबसे पहले जो अलॉयज है ना आपको अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये अलॉयज देख के आपको टाटा हेक्सा की याद आएगी, क्योंकि सेम टायर अपना MRF का और आपको जो ये अलॉय का साइज़ है 19 इंच का वो अपन को हेक्सा के अंदर देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को शिकायत हेक्सा के अंदर रही थी इस साइज़ अलॉय से, मतलब इस अलॉय साइज़ से, कि यार 19 इंच के हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंजे हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जो है घिस जाते हैं। लेकिन देखो एक बात बताता हूँ, जो कई मेरे नोन उन्होंने 70,000 किलोमीटर भी गाड़ी को चलाया सेम टायर सेट के साथ, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, बस चलाने का फ़र्क रहता है यहाँ पर। लेकिन भाई एक चीज़ तो ज़रूर है,
ये जब भी आप भले ही 70,000 चला के चेंज करो, 60,000 चला के चेंज करो, यहाँ पर जो 19 इंच की साइज़ है इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, थोड़ी सी रेयर हो जाती है। तो भाई इसलिए आपको हर कोई कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ब्रिजस्टोन अपने को हैरियर के अंदर देखने को मिल जाते हैं ना टायर, जो कि अब देने लगी है, पहले अपोलो के आते थे उसके अंदर भी, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर है, आपको इतने जो है ईजिली देखने को नहीं मिलते। आते हैं 19 इंच, ऐसा नहीं कि आते ही नहीं, मार्केट में टाटा ने MRF के अंदर दिए तो आते हैं, लेकिन जहाँ पर आपका टायर चारों चेंज हो जाएंगे ना 45-50 हज़ार रुपये में, अगर आप 18 इंच ले रहे हो तो, और 19 इंच आप ले रहे हो तो वहाँ पर आपकी गाड़ी के टायर जो है 60,000 रुपये में चेंज होंगे। सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स हो गए जैसे मिशलिन हो गई, योकोहामा हो गई, वहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं ये 19 इंच वाले टायर। खैर उसी के साथ में भाई ये आपको पूरा रफ प्लास्टिक का इंसर्ट्स जो है ओवरऑल देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत कर्व आ गया, पहले ये कर्व अपन को देखने को नहीं मिलता था, तो ये डिज़ाइन के अंदर इन्हेंस जो है थोड़ा बहुत अपन को देखने को मिलने लग गया। इधर आप आओगे तो सफारी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरे का एक कैमरा देखने को मिल जाएगा, और ये तो भाई टाटा ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया था सफारी से ही, कि इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दी थी, हैरियर के अंदर पहले बड़ा देखने को मिला करता था। सफारी के साथ जब हैरियर को वापस से लॉन्च किया था, मतलब फेसलिफ्ट आया था, तब जो है यहाँ पर इसकी साइज़ छोटी कर दी थी। एनीवेज यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि पहले भी मिला करता था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, पर थोड़ा सा लाइट वेट मुझे यहाँ पर फील हो रही है। वैसे तो अभी इसका क्रैश टेस्ट हुआ और गाड़ी ने 5 स्टार स्कोर करें ग्लोबल NCAP के अंदर, तो भाई ये तो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एप्रिशिएशन वाली चीज़ हो जाती है यहाँ पर। मतलब ये जो टायर चेंज हुआ है ना, उससे लुक गाड़ी का बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया, और इनफैक्ट ये जो लाइट्स है ना, लाइट्स थोड़ी सी से बाहर निकली हुई हो गई अब, तो जैसे गाड़ी की लाइट बाहर निकली हुई होती है ना, तो मतलब उसको ऐसा फील करा रही है कि गाड़ी लंबी थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है। खैर एनीवेज यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ एक बार नज़र डालो तो ये क्रोम अपन को पहले भी देखने को मिलता था, पर इसमें अब सफारी लिखा हुआ देखने को मिला करता था, जो कि अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब जैसे मैं खड़ा हूँ ना, तो मेरी सफारी देखो और ये वाली सफारी देखो ना, तो ये पता नहीं मुझे थोड़ी लंबी लंबी महसूस हो रही है। आई थिंक ये थोड़ा साइज बढ़ा दिया क्या करा, पर गाड़ी लंबी लंबी दिखने में महसूस हो रही है। कि अगर फिट फिनिश की बात कर ले तो देखो, फिट एंड फिनिश तो थोड़ी बहुत अभी इम्प्रूव करने की इसमें और ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर आपको जो है अपना शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, ये अपना हो जाता है यहाँ पर सनरूफ, और सनरूफ के साथ साथ ही भाई यहाँ पर आओगे आप पीछे, तो पीछे आने के बाद में आपको जो लुक देखने को मिलता है यहाँ पर बदलाव करा गया है भैया अपने। एक तो ये जो लाइट्स है, लाइट्स आपको दिखाऊं भाई ब्लिंक करके, बहुत ही प्यारा लुक अपन को लाइट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। देखो पूरी कनेक्टेड टेल लैंप हो गई, और इंडिकेटर जला के दिखाऊं तो ऐसा कुछ इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्यारा देखने में लगता है। इनफैक्ट इसके अंदर गुड बाय और गुड मतलब वेलकम वाला फीचर भी देखने को मिलता है, जो अपनी अपने हिसाब से जो है स्पार्कल करते। देखो जैसे अभी गई ना तो कितने स्टाइल से गई, तो वाले फीचर अपन को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। खैर यहाँ पर अपने पास हो जाता है बैक फॉग लैम्प देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। उसी के साथ में भैया अपना रिवर्स का जो है अपना हेडलैम्प वो देखने को, रिवर्स लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पियानो फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। और आपने अगर देखा हो गौर से, टाटा सुमो का जो कॉन्सेप्ट निकाला था उसके अंदर भी कुछ इस तरीके की डिज़ाइन उसमें दिखाई थी, तो वो वाला चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत महसूस हुई। एनीवेज यहाँ पर शेर वगैरह के साथ में अब आपको एक और शेर यहाँ पर देखने को मिलने लग गया, बाकी अपना एकदम नेकेड वाइपर देखने को मिल जाता है, जो नेक्सॉन के अंदर आया था ना वैसा अपन को देखने नहीं मिलता। जैसे ये चाबी मेरे पास है, इसके अंदर वो फंक्शन आता है जो जेस्चर कंट्रोल वाला, तो इसको एक बार ओपन करके देखते हैं भाई। पता नहीं भाई कैसे रखना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए, हो गई। तो भाई यहाँ पर इसका सेंसर है, तो इसको जैसे ही अपन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ना तो ये ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर करना पड़ता है, तो इधर करने से ओपन हो जाती है। खैर अभी तो अपन इसको बूट यहीं से ओपन कर लेते हैं, तो इधर इसको 3 सेकंड दबा के रखते हैं तो ये अपना जो है ओपन हो जाएगा। ये दो बार ही दबा, 1 सेकंड, आई थिंक ढंग से बंद नहीं है भाई, तो इसको एक बार वापस से खोलते हैं। तो पता ही नहीं भाई क्या फंक्शन है क्या नहीं है, पर इतना ज़्यादा जो है रेगुलर वे में यूज़ करने वाला फीचर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो। अभी खुल भी रहा है पर ऊपर भी नहीं हो रहा, पता नहीं भाई क्या है। खैर इसको अपन मैनुअली ऊपर कर लेते हैं। अरे हो जा भाई, यार भाई सच में यार ये चीज़ है ना, अभी अटक ही गया, 1 मिनट। बंद हो जा भाई, बंद हो जा। तो इसको भैया वैसे ही बंद करना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। गाड़ी को पूरा कर देते हैं लॉक, लॉक करने के बाद में इसको बटन को दबाया और ये ओपन हो रहा है। देखो ये ओपन तो हो रहा है पर ये अपने आप ऊपर नहीं जा रहा। अब भाई नई गाड़ी है,
अब नई गाड़ियों के अंदर ही ऐसा होगा तो यार यहाँ से बटन दबा के ओपन कर लेते हैं। लो भाई इसको मैनुअली ओपन करना पड़ा। खैर एनीवेज यहाँ पर जैसे आप बैक में आओगे तो आपको एक चेंज नज़र आएगा, वो चेंज होगा ये कि जो इंटीरियर की जो कलर थीम है ना वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है यहाँ पे, मतलब हल्का सा आपको जो है यहाँ पर कॉफ़ी कलर देखने को मिल जाता है विद वाइट इंसर्ट्स। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा गाड़ी प्यारी है, अपनी प्रीमियम है, वही सारे आपको फंक्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आपको फ़ैन कंट्रोल करने का देखने को मिल जाएगा जो रियर वाला है, यहाँ पर अपन को लाइट्स देखने को मिल रही है, सारी चीज़ें वो आपको देखने को मिल जाती है। जो इसकी सीट्स वगैरह है वो आप आराम से इसको यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, और सीट फोल्ड करने के बाद भी जो है आपको यहाँ पर स्पेस जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। देखो इधर की तरफ यहाँ पर ये जो है आपको स्पेस देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर टायर इन्फ्लेटर आ जाता है अपना और टायर पंचर किट आ जाती है पूरी। बाकी ये सारे आप कर सकते हो। यहाँ पर स्टेपनी नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है, ये नीचे की तरफ स्टेपनी हो गई भाई इसकी, और ये जो है अपना यहाँ पर एक लैम्प हो गया बूट लैम्प। बाकी इसको यहाँ से कर लेते हैं बंद। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक बूट ही ख़राब हो गया भाई, ये मेरे प्रभु। इसका इलेक्ट्रिक बूट ही ख़राब हो गया भाई, इसको मैन्युअली अपन को करना पड़ेगा बंद, तो वाली बात है। अब भाई आपको पता होगा ना मैंने स्टार्टिंग वीडियो की कितनी बढ़िया करी थी, मतलब कितना अच्छा अच्छा बोला था, लेकिन अब आप खुद देख लो भाई ये हालत है, क्या बोल सकते हैं भाई इसमें, बताओ मेरी गलती है। अब टाटा तो दो मिनट में बोल देगा यार तुम लोग बुराई करते हो गाड़ियों की, ये करते हो करते हो ना। हैरियर की जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर ये सिस्टम हुआ, इसकी मैंने वीडियो बनाई इसमें आप इलेक्ट्रिक बूट देख सकते हो। खैर एनीवेज यहाँ पर जो है अपने अपन आ चुके हैं अभी अंदर, और अंदर आने के बाद में सच में भाई बहुत प्रीमियम इंटीरियर अपन को देखने को मिलता है। भले यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देख लो तो ये जो इंसर्ट्स है ना, मतलब ये जो सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलती है, इसका कलर ब्लैक नहीं है भाई, ये कलर जो है आपको थोड़ा सा जो है कॉफ़ी टाइप का देखने को मिलता है, और मतलब कॉफ़ी टाइप में भी थोड़ा सा वो शेड होता है पर्पलिश का, वो वाला आपको देखने को मिलता है, बहुत ही प्रीमियम देखने में लगता है ट्रस्ट मी। बिल्कुल आपको जो ये स्टीयरिंग व्हील है रेंज रोवर वाली याद दिलाएगा, ये जो अपना स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, ये जो अपनी डिस्प्ले है ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने में बढ़िया लगती है। अभी आपको इसको पूरा उनको वगैरह सब करके दिखाऊंगा, उससे पहले भाई ये देखो ये इंसर्ट्स इतना प्यारा देखने में लग रहे हैं, इतना प्यारा ट्रीटमेंट इस गाड़ी के अंदर लग रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने में लग रहे हैं। उसी के साथ ये जो अपना हो गया यहाँ पे एसी के वेंट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने में बढ़िया है। अब ये आप बोलोगे यार यहाँ पे ये ब्लैंक क्या छोड़ दिया, तो भाई यहाँ पर आपको बताता हूँ, इधर अपन को देखने को मिल जाता है बूट का बटन। तो जैसे आप इसको बूट के बटन को दबाओगे तो अपना इलेक्ट्रिकली बूट ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं क्या माल फंक्शन आ रखा है इसके अंदर तो ये इलेक्ट्रिक बूट यहाँ से भी ओपन नहीं हो रहा। वरना हैरियर के अंदर अपन ने देखा था वीडियो के अंदर कि इसका गेट ओपन हो गया था, क्लोज भी अपने हिसाब से अपने साथ अपने आप ही हो गया था। खैर एनीवेज यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ना सिर्फ बूट और लॉक अनलॉक करने के बटन है। ओके मैडम अभी शांति रखो, ठीक है। यहाँ पर जो भाई साहब इल्यूमिनेशन आता है, ये जो आप लाइट देख पा रहे हो बहुत ही प्यारी स्मार्टली इंटीग्रेटेड अपन को लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और इसको अगर ऑफ करना हो अपन को इसके एसी को तो ऑफ कहाँ से होगा भैया, हो गया। तो भैया यहाँ पर अपन को एसी कंट्रोल सारे देखने को मिल जाते हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अपन को गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, मतलब मैं अपना टेम्परेचर अलग और अपना जो साथी होगा वो अपना टेम्परेचर अलग करके रह सकता है। यहाँ पर ये ऑफ करने का बटन है, पर आई डोंट थिंक सो ये ऑफ क्यों नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बटन आपको दे रखा है, ऑटो का एसी का बटन दे रखा है, सिंक करने का बटन दे रखा है, मतलब दोनों का सिंक मतलब बटन ही होता है कि दोनों का एक टेम्परेचर हो जाता है 23 डिग्री पे सेट हो जाता है अपने आप। बाकी अपने डिफॉरेस्ट वगैरह का सारे बटन हो गए, अपने टेम्परेचर सेट करने का बटन हो गया, फॉग लैंप और रियर फॉग लैंप और फ्रंट फॉग लैंप के बटन यहाँ पर जो हो जाते हैं अपने, तो ये सारी चीज आपको इधर देखने को मिल जाती है। बाकी उसी के नीचे आओगे तो ये पियानो फिनिश सी जो डिजाइन है देखने में काफी बढ़िया लगती है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट हो जाती है, एम्बिएंट लाइट को आप यहाँ से जो है कंट्रोल भी कर सकते हो, तो देखने में काफी ज्यादा जो है अपनी बढ़िया लुक ये बना देती है। एक साथ में नीचे की तरफ आओगे तो इकोनॉमी मोड स्पोर्ट मोड आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो डायल अपन को देखने को मिलता है ना भाई बहुत ही प्रीमियम है, इसकी क्वालिटी की बात कर लेना तो बहुत ही ज़्यादा देखने में प्रीमियम लगता है। हालांकि इसमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं जो कि डेफिनेटली अपना उसको कंट्रोल करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को, कि भैया वेट मोड है तो ट्रैक्शन कंट्रोल अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ओके मैडम ये रफ मोड भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, नॉर्मल मोड हो गया इसके अंदर, हिल डिसेंट कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, तो हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे आप चालू करोगे तो स्पीड आप सेट कर सकते हो 8 की, तो उस
हिसाब से इस गाड़ी की जो डिक्रीजिंग स्पीड रही है, मतलब माउंटेन पे उतरने की स्पीड रही है, वो 8 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बाकी जो मुझे शिकायत थी हार्ड प्लास्टिक की, भाई गाड़ी के अंदर रैटलिंग नॉइज थोड़ी बहुत आती थी, जैसे अगर अपना पाँव इधर अड़ता था ना, इधर अड़ता था, तो ये अपनी हेक्टर के अंदर काफी ज्यादा है, लेकिन सफारी में थोड़ी कंट्रोल थी पहले भी। अब जो है अब आपको उसकी शिकायत देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। गाड़ी हर जगह से बहुत ही प्यारा इंटीरियर का क्वालिटी हो चुका है, कहीं से भी आप दबा के देखो, कहीं से भी कुछ करके देखो, आपको हार्ड प्लास्टिक की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। मतलब इसमें बिल्कुल भी चकर 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 आपको महसूस नहीं होगी, ना इसमें चकर 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 महसूस होगी, ये दबाओगे तो इसके अंदर भी कोई चकर चकर महसूस नहीं होगी। तो ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़िया कर दी है। यहाँ पर आपको बोस मोड देखने को मिल जाता है, तो आप सीट अपनी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आगे पीछे अपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, ये काफ़ी एक बढ़िया चीज़ होती है। बाकी ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पर एम्बिएंट लाइट मिलती है, तो आपको इधर भी एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाती है। अगर आपको सनरूफ खोलना हो तो आप शेड ऐसे करके एक बार हटा सकते हो, बाकी अगर आपको पूरा सनरूफ खोलना हो तो इसको एक बार आपको पूरा पीछे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये एक बार बच्चे ने किसी ने कर दिया और आपकी गाड़ी हाई स्पीड में, तो आपके पास प्रोविजन नहीं है कि इसको रोक सको, ये फिर पूरा खुलता है, पूरा खुलने के बाद फिर वापस ये बंद होता है, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है कि बीच में एकदम से रुक जाएगा ये। तो इसको अगर ये एक बार कमांड दे दिया बंद होने का तो बंद ही होगा, खोलने का कमांड दे दिया तो फिर वो पूरा खुलेगा ही। यहाँ पर SOS का बटन दे दिया, आपको एक इमरजेंसी कॉलिंग बटन दे दिया, ये डमी बटन है, यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ से बात करते हो तो ब्लूटूथ माइक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM अपन को देखने को मिल जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बढ़िया आपको देखने में लग जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले आपको दिखा रखी है नेक्सॉन वगैरह में भी, तो यहाँ पर आप आ जाते हैं तो ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। भाई इसकी फ्रंट सीट भी वेंटिलेटेड है, रियर सीट जो 6-सीटर वेरियंट लोगे उसके अंदर आपको पीछे वाली भी वेंटिलेटेड उसमें मिल जाएगी। बाकी भैया इस नॉब की बात कर ले तो ये नॉब इतना देखने में प्यारा लगता है कि भाई रेंज रोवर की पूरी आपको याद आने वाली है। हालांकि आपको मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर रेंज रोवर का गियर बॉक्स बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये ऊपर का जो आप देख पा रहे हो ना, ये सिर्फ इसको आप जो बोलते हो, इसको आप कुछ भी बोल दो भाई, जॉयस्टिक बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो ये वाला जो गियर है अपना, सिर्फ ये नॉब जो है, सिर्फ ये नॉब जो है अपना रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है। अब रेंज रोवर का डायरेक्ट उठा के नहीं डाला ये भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसकी तो काफी बढ़िया क्वालिटी आती है, भाई इसकी भी क्वालिटी बढ़िया है एज पर द प्राइस, पर यहाँ पर जो है आपको रेंज रोवर का फील ये डेफिनेटली दिला देगा। उससे तो भाई काफी ज्यादा ईजी है, जो पहले आता था ना उससे बहुत बार रिवर्स में डालो, इसमें बहुत ज्यादा स्पीक एंड स्पैन, मतलब एकदम जल्दी वाला काम हो जाएगा, बढ़िया कर सकते हैं। बाकी गियर बॉक्स इस गाड़ी के अंदर Hyundai Sourced आता है, जो कि थोड़ा सा मतलब वोकल ज्यादा है। ऑटो होल्ड का फंक्शन अपन को यहाँ देखने को मिल गया, डायरेक्टली पी पे करना है तो आप यहाँ से दबा के इसको पार्क पे कर सकते हो। दो बॉटल होल्डर यहाँ पर हो गए अपने, इनफैक्ट यहाँ पर वायरलेस चार्जर हो गया अपना, यहाँ पर एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है और एक नॉर्मल यूएसबी पोर्ट अपन को देखने मिल जाता है। 45 वाट का है भाई, इसके अंदर तगड़ा पावर है, लैपटॉप वगैरह तक चार्ज कर देगा ये आपके। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर हो गया, और वही अपना 5 वोल्ट वाला एक सी टाइप यहाँ पर, नॉर्मल यूएसबी यहाँ पर, और एक जो है अपन को एसी का वेंट यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ अपन को यहाँ पर इंसर्ट देखने मिल जाता है। मतलब ये जो थीम आपने रखी है ना, टाटा वालों ने जो थीम रखी है भाई, काफ़ी प्यारी देखने में लगती है, और मतलब बढ़िया, मतलब एकदम रेंज रोवर वाला ही फील यहाँ पर दिलाती है, जो आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश लगता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको दोनों सीट्स देखने को मिल जाती है, ये भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, मेरी वाली भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स अपन को देखने को मिल जाते हैं, जो तगड़ा फील करा देंगे गाड़ी का। गाड़ी के अंदर वही आपको 170 PS वाली पावर वाला फीएट सोर्स इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि सेम हैरियर में, हेक्टर में, इनफैक्ट जीप की मेरिडियन में भी सेम आपको जो है पूरा इंजन देखने को मिल जाता है। तो मतलब गाड़ी का इंजन तो बहुत ज़्यादा टफ है एक तरीके से आप कह सकते हो, और गाड़ी के अंदर पावर भी जो है ना बहुत गजब की आपको देखने मिल जाती है। 170 PS की पावर इसके अंदर, PS की पावर देखने को मिल जाती है, और टॉर्क अपना हो जाता है 380 Nm, जो गाड़ी को भाई बहुत ही खतरनाक जो पुल देता है ना, बहुत गजब का है। तो मुझे पावर के मामले में कभी गाड़ी के अंदर कोई कमी महसूस नहीं हुई, और ऊपर से पैडल शिफ्टर्स वगैरह दे दिए तो वो और ज्यादा देखने में बढ़िया हो गया। इनफैक्ट वही सारा लोगो आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के बटन होगा, एडीएस के बटन होगा, यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल देखने को मिल जाता है। गाड़ी के जो स्पीकर्स हैं भाई, ट्रस्ट मी, इतने प्यारे स्पीकर्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं ना, JBL के तो आपको पहले से देखने को मिलते थे, लेकिन JBL के अंदर भी इन्होंने क्या करा है ना कि एक सराउंड सिस्टम वाला सिस्टम दे दिया, तो बहुत ही गजब है। यहाँ पर आपको बताऊं मैं, ये जो आप देख पा रहे हो, ये अगर सेवेंथ सीट, मतलब अगर थर्ड रो के अंदर जो लास्ट वाली दो सीट्स है उसमें भी अगर किसी ने अगर अपना बेल्ट नहीं लगा रखा हुआ ना, तो गाड़ी आपको उसके लिए भी वॉर्न करेगी, तो कितनी बढ़िया चीज़ हो जाती है। यहाँ पर अगर आपको जो लेन डिपार्चर फंक्शन का लाइट मिल जाती है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सब तो ड्राइव वगैरह आपको देखने को मिलेगी सारी। उसी के साथ साथ भाई आपको मतलब अगर इसको डायल्स भी चेंज करने हो ना इसको, तो वो भी आप यहाँ पर जो है कर सकते हो। जैसे डायल व्यू है, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको यहाँ पर अपन ये वाला कर लेते हैं बटन, तो ये कहाँ से चेंज होता है, यहाँ से करके, और आपको ये बटन दबा के इधर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये वहाँ से एडजस्ट होगा, तो ठीक है। बाकी ड्राइवर अटेंशन असिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। भाई मतलब कमाल की चीज़ हो गई कि अगर आपको नींद आने लगेगी तो भी आपको गाड़ी बोल देगी कि भैया कि तू नींदों में हो रहा है, गाड़ी रोक ले, कोई मतलब वाली बात नहीं। तो वो वाले फीचर्स अपन को देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाती है भाई अपनी। तो ये ऐसा कुछ अपन को आगे से पूरा सेटअप मिलता है। बाकी भाई ओवरऑल लुकिंग में तो बहुत ज़्यादा गाड़ी प्रीमियम है, बढ़िया है, ऐसी कोई शिकायत मुझे यहाँ पर लग नहीं रही गाड़ी।
तो भैया लगभग 20-25 मिनट यहाँ पर पचने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आपको इस ऑफ के बटन को जो है 3 सेकंड तक दबा के रखना पड़ेगा। भले आपका एसी 3 पे हो या 4 पे हो, आपको पहले उसको दबा दबा के 1 पे करना पड़ेगा। 1 पे है वो, उसके बाद में जाके वो जो है पूरा बंद होगा जब आप उसको 3 सेकंड तक दबा के रखोगे भाई। तो भाई कई लोगों को तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा देखने में, पर यार मुझे देखो एक तो पहले ही एसी के मामले में सेंसिटिव बटन पसंद नहीं है, दूसरा फिर उसके बाद में दे भी दिए तो यार एक ऑफ का पर्टिकुलर डेडिकेटेड बटन देना चाहिए कि बस बटन दबाया ऑफ। तो भैया आ जाते हैं रियर सीट के अंदर। रियर सीट में आने के बाद में एक कमाल का अपडेट यहाँ पर टाटा ने करा है, जो भैया हो जाता है अपना ये वाला कर्टन। अब भाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो गया है ना, शेड्स लगाना इतनी महंगी गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम थर्ड क्लास वाली चीज, ठीक है ना, फिटिंग के रहते हैं ना, मजा आता है उनके अंदर। अब भाई इनकी क्वालिटी कितनी प्यारी अपन को देखने को मिल जाती है, आराम से जब चाहिए आप उसको ऊपर चढ़ा लो, जब चाहिए नीचे कर लो, और क्वालिटी वाइज भी बहुत प्यारा है। और इनफैक्ट अगर अपन बात कर ले तो भाई प्राइवेसी भी बढ़िया अपना ठीक ठाक रहती है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। बाकी पूरा यहाँ पर आपको जो है वो इंटीरियर डुअल टोन के अंदर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अपने एसी वेंट्स हो जाते हैं, इधर अपना वही फोन होल्डर हो गया अपना, और यूएसबी पोर्ट अपन को नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे जो कि एक हो गया अपना सी टाइप, एक नॉर्मल यूएसबी वाला। यहाँ पर आपको जो है दो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएंगे, एक तो 6 सीटर का, एक 7 सीटर जो है हो गया अपने। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल अपन को जो है हेडरेस्ट देखने को यहाँ पर मिल जाता है, और अपना ये अपना यहाँ पर हैंडरेस्ट भी बढ़िया हो जाता है, तो कोई शिकायत वाली बात उसमें नहीं है, कंफर्टेबल माहौल अपन को पीछे देखने में मिल जाता है। बट एक ये है कि अंडर थाई सपोर्ट की कमी मुझे लगती है, जो कि 250-300 किलोमीटर जब अपन जाते हैं सफारी के अंदर, जैसा कि मैंने महसूस करा है क्योंकि मैं ओन करता हूँ, तो वहाँ पर एक कमी मुझे ये लगती है कि यार थोड़ा सा अगर अंडर था सपोर्ट और होता तो बढ़िया कंफर्टेबल रहते, पैर दुखते नहीं, वरना पैर थोड़े से क्या दुखने लग जाते हैं इसके अंदर ज़्यादा लंबे समय में जाते हैं, तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है। ओवरऑल क्वालिटी गाड़ी की बहुत बढ़िया है, गाड़ी में फील काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है देखने में। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो भाई गाड़ी के इंटीरियर वगैरह इतना प्यारा, कलर थीम वगैरह सिलेक्शन है, उसमें कोई शिकायत वाली बात मुझे यहाँ पे लग नहीं रही। ओवरऑल गाड़ी की जिस हिसाब से प्राइसिंग रखी गई है, क्योंकि 6 सीटर वर्जन लोगे उसके अंदर भी आपको रियर के अंदर भी जो है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि कमाल की चीज़ हो जाती है भाई, नो डाउट। तो उसके अंदर गाड़ी अव्वल दर्जे की हो गई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये जो फीचर्स की अभी से ही भाई ये कमियां आ रही है ना, जैसे एसी का ब्लोअर बंद नहीं हो रहा, ये टेल गेट ओपन नहीं हो रहा इलेक्ट्रिकली, वो वाला एक शिकायत है। तो भाई फाइनली अपना जो है बूट जेस्चर कंट्रोल, गाड़ी को बंद करके वापस चालू करा 2-3 बार, तभी अपना कंट्रोल वापस से करने लगे। तो कई कई चीज़ों के अंदर क्या गाड़ी लैग कर जाती है कई बार कमांड वगैरह लेने में। बाकी भाई ORVM के अंदर अपन को लेन असिस्ट फीचर देखने को मिलता है, ये कोई भी अगर आपके पास में आएगा तो ये यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा आपको गाड़ी ओवरटेक नहीं करनी। तो भाई मतलब जो करोड़ों करोड़ों की गाड़ी में फीचर आते हैं, वो वाले फीचर अपन को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने लग गए हैं भाई, ये वाला फील अपन को देखने को देती है पूरी टाटा सफारी अपनी। तो गाइस ये थी अपनी 2023 टाटा सफारी, अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।